हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला। मैं अपने चैनल पर ओलंपियाड एग्जाम प्रिपरेशन करवाती हूँ। ओलंपियाड एग्जाम सिलेबस एंड स्कूल सिलेबस को ध्यान में रखकर मैं चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस सेट लेकर आती हूँ, जिससे कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके और अपने हर चैप्टर में एक्सपर्ट हो सके। मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट हर चैप्टर से इतना MCQ लेकर आती हूँ कि ज़्यादातर जो ओलंपियाड एग्जाम में क्वेश्चन किए जाते हैं वो सारे यहाँ पर ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं। अभी हम कंप्यूटर सब्जेक्ट से चैप्टर 7 इंट्रोडक्शन टू MS Paint की प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन टू MS Paint चैप्टर को एक्सप्लेन करके उसकी प्रैक्टिस सेट 1 डाल चुकी थी, उसे आप जाकर अवश्य देखिए। साथ ही हमारे चैनल पर आपको मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड कंप्यूटर्स के सारे चैप्टर्स चैप्टर वाइज एंड उसकी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जिसे आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अपने बच्चों को अच्छी तरह से घर पर बैठकर तैयारी करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड इन ड्राइंग द गिवन शेप। ट्रायंगल शेप है, इसे हम कौन सी टूल्स की सहायता से बना सकते हैं? ऑप्शन ए लाइन टूल्स, ऑप्शन बी रेक्टेंगल, ऑप्शन सी सर्कल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लाइन टूल्स। लाइन टूल्स की मदद से हम ट्रायंगल शेप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज नॉट यूज्ड वाइल ड्राइंग द गिवन पिक्चर्स। ये पिक्चर्स बने हुए, इसमें से इसको बनाने के लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हमें क्या यूज़ नहीं कर सकते हैं? नंबर ए ओवल टूल्स, बी रेक्टेंगल टूल्स, सी पेंसिल टूल्स एंड डी लाइन टूल्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पेंसिल टूल्स। क्वेश्चन नंबर 3, वाट इज़ द यूज ऑफ गिवन टूल्स। ये टूल्स दिए गए हैं, इसका क्या यूज़ है? ऑप्शन ए इट इज़ यूज टू फिल द पिक्चर विथ कलर, इसकी मदद से हम पिक्चर को कलर से फिल कर सकते हैं। ऑप्शन बी इट इज़ यूज टू इरेज योर ड्राइंग, इसकी मदद से ड्राइंग को साफ किया जा सकता है। सी इट इज़ यूज टू राइट इन योर ड्राइंग, इसकी मदद से तुम अपनी ड्राइंग में लिख सकते हो। एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, ये सभी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इट इज़ यूज टू राइट इन योर ड्राइंग, इसकी मदद से हम ड्राइंग में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स फिल द गिवन शेप विथ कलर्स। इनमें से कौन सी टूल की सहायता से हम इन शेप को कलर से भर सकते हैं? ऑप्शन ए फिल कलर, ऑप्शन बी रेक्टेंगल, ऑप्शन सी लाइंस एंड ऑप्शन डी ओवल शेप। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फिल शेप। ये फिल शेप या फिल डब्बा जो है कलर्स का, इसकी मदद से हम शेप में कलर को भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज नॉट यूज्ड टू ड्रॉ शेप। इनमें से कौन से ऐसे टूल्स हैं जिसकी मदद से हम कोई भी शेप को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन ए फिल कलर, ऑप्शन बी ऑप्शन बी रेक्टेंगल, ऑप्शन सी लाइन शेप एंड ऑप्शन डी ओवल शेप। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ए इज द फिल विथ कलर टूल्स, इट इज यूज टू फिल द शेप विथ कलर, इट इज नॉट यूज टू ड्रॉ शेप। इसका यूज हम किसी भी शेप में कलर भरने के लिए करते हैं, शेप को ड्रॉ करने के लिए इसका यूज नहीं किया जाता है। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज इन ड्राइंग द गिवन शेप। ट्रायंगल शेप है, इसे हम कौन सी टूल्स की सहायता से बना सकते हैं? ऑप्शन ए लाइन टूल्स, ऑप्शन बी रेक्टेंगल, ऑप्शन सी सर्कल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लाइन टूल्स। लाइन टूल्स की मदद से हम ट्रायंगल शेप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, गिवन सेट ऑफ टूल्स एंड शेप्स आर फाउंड इन। ऑप्शन ए ड्राइंग एरिया, ऑप्शन बी वर्क स्पेस एरिया, ऑप्शन सी रिबन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रिबन। ये सेट ऑफ टूल्स एंड शेप्स जो है, ये सारे चीज हमें रिबन में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज टू ड्रॉ एंड क्लोज शेप। इनमें से कौन से टूल्स की मदद से हम क्लोज शेप बना सकते हैं या क्लोज शेप्स हैं? ऑप्शन ए रेक्टेंगल, ऑप्शन बी ओवल शेप, ऑप्शन सी फिल विद कलर एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हाट शुड बी द रिजल्ट ऑफ द गिवन स्टेप्स। इनमें से कौन सा स्टेप, अगर हम ये स्टेप करते हैं तो हमारे पास कौन सा रिजल्ट प्राप्त होगा? स्टेप वन सेलेक्ट एंड ओवल टूल्स, स्टेप टू गो टू ड्राइंग एरिया, क्लिक एंड ड्रैग द माउस टू ड्रॉ एंड ओवल शेप। स्टेप वन में सबसे पहले हम ओवल टूल्स को सेलेक्ट करेंगे, स्टेप टू ड्राइंग एरिया में जाकर माउस को ड्रैग करते हुए ओवल शेप को हम ड्रॉ करेंगे, स्टेप थ्री सेलेक्ट फिल विथ कलर, फिल विथ कलर को सेलेक्ट करेंगे, स्टेप फोर सेलेक्ट एनी कलर फ्रॉम द कलर प्लेट, फिर हम कलर प्लेट में से कोई भी कलर को सेलेक्ट करेंगे एंड स्टेप फाइव गो टू द ओवल शेप एंड राइट क्लिक द माउस। फिर हम ओवल शेप में जाकर उसके ऊपर राइट क्लिक करके माउस को क्लिक करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ये ओवल शेप जिसमें कलर फिल किया हुआ है, ये ऑप्शन हमें प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर टेन, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज आर यूज्ड व्हेन यू वांट टू डू द गिवन टास्क व्हाइल ड्राइंग। इनमें से कौन से टूल्स को सेलेक्ट करके हमें जो टास्क दिया गया है ड्राइंग में, उसे हम कंप्लीट कर सकते हैं? नंबर ए टू ड्रॉ रेक्टेंगल शेप, नंबर बी टू यूज इरेज इफ यू मेक अ मिस्टेक एंड ऑप्शन सी टू फिल द शेप विथ कलर। ऑप्शन ए फिल विथ कलर, ऑप्शन बी इरेजर, ऑप्शन सी रेक्टेंगल शेप एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ए बी सी, ये तीनों जो गिवन टास्क दिया गया है, इनको हमें कंप्लीट करने के लिए ये सभी टूल्स का हमें यूज़ करना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे पहले हम रेक्टेंगल शेप यूज़ करते हैं शेप को ड्रॉ करने के लिए, और ऑप्शन बी के आधार पर अगर हमें कोई भी शेप ड्रॉ करने में गलती हो जाती है तो इरेज से इसको हम रफ करते हैं एंड ऑप्शन सी इस कलर को हम शेप को फिल करते हैं, ऑप्शन ए फिल कलर से। सो डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द गिवन ऑप्शन इज यूज्ड टू, ये ऑप्शन दिया गया है, इसका यूज क्या होता है? ऑप्शन ए चूज द कलर फॉर योर ड्राइंग, अपने ड्राइंग के लिए कलर को सेलेक्ट करना। ऑप्शन बी चूज द शेप फॉर योर ड्राइंग,
अपने ड्राइंग के लिए शेप को सेलेक्ट करना। ऑप्शन सी, चूज द डिफरेंट टूल्स फॉर योर ड्राइंग, अपनी ड्राइंग के लिए डिफरेंट टूल्स को सेलेक्ट करना। एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, चूज द कलर फॉर योर ड्राइंग, अपनी ड्राइंग के लिए कोई भी कलर्स को हम इस कलर प्लेट से सेलेक्ट कर सकते हैं या चूज करके उसे अपने ड्राइंग में फिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, यू कैन यूज इट टू ड्रॉ द फ्री हैंड ड्राइंग, तुम इसे यूज़ करते हो फ्री हैंड ड्राइंग बनाने के लिए। बाय यूजिंग दिस टूल्स यू कैन इवन ड्रॉ इफेक्ट स्ट्रेट लाइन वाइल होल्डिंग शिफ्ट की, इस टूल की मदद से यदि तुम परफेक्ट स्ट्रेट लाइन बनाना चाहते हो तो शिफ्ट की के साथ उस की को होल्ड करते हुए स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए इरेजर, ऑप्शन बी पेंसिल, ऑप्शन सी रेक्टेंगल शेप एंड ऑप्शन डी ओवल शेप। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पेंसिल। पेंसिल टूल्स को शिफ्ट की के साथ होल्ड करके हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइए, और साथ ही हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूले, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।